अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है फवाज खलील और मेरे ग्रुप मेंबर हैं सी महमूद, यसार अली एंड बख्तावर हबीब। और सर हमारे जो हमारी जो वेबसाइट है उसका नेम है बैंकल अलफलाह नेक्स्ट ग्रेमिंग। सर ये वेबसाइट ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन है, इसके साथ जो 10 पॉइंट से जो आपने में करवाए थे उनमें से फर्स्ट पॉइंट ये विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस। और सर इसके हमने कुछ अपनी तरफ से स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद नीचे जो इनकी वैल्यूएशन की गई जो अदर ग्रुप ने करनी थी, जो सर हमने अपने पॉइंट्स लिखे हैं सर वो ये हैं कि हमारा जो भी ओवरऑल सा स्टेटस है। और फर्स्ट पॉइंट प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड खोलें, जो सर हमारी वेबसाइट मतलब ओवरऑल डाटा डिजाइनिंग के बारे सर क्लियरली इंटरफेस डिजाइन है। और सर ये बहुत इजीली इजी इजी यूज इजीली इंटरफेस इसका सर यूज किया जा रहा है। इनमें जो ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन सर उस पर फीडबैक वगैरह का ईच एंड एवरी सर अलग अलग मेंशन की गई है। उसके अलावा सर इसका करंट स्टेटस भी बताया जा रहा है। उसके अलावा सर इसके आउटकम हो गए, इंट्रैक्शन वगैरह हो गए, ईच एंड एवरी सर डिटेल से बताई गई है। और उसकी जो वैल्यूएशन की गई है ना सर वो ये की गई विजिबिलिटी जो सी है ना हमारे सिस्टम के वो सेटिस्फाइड। और जितने भी हमने लिंक अपनी मतलब कि हाइपर लिंक वगैरह क्रिएट किए हैं सर वो सारे गुड है और एक्टिव है। उसके अलावा जितनी भी विजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन है हमारे सिस्टम में वैलिड है और गुड है। नेक्स्ट स्लाइड भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है सर वो हमारा है कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। सर मैं रियल वर्ल्ड सर अपनी सिस्टम को मैच करना है सर वो भी हो सकता है। जो हमारी वेबसाइट है हमने ऑफिशियल जो रियल वेबसाइट को देख के हम अपनी वेबसाइट में आ रहे हैं उसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ भी मैच कर सकते हैं ठीक है सर। और उस बारे से हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं सर कि जो हमारा अपनी वेबसाइट है ना सर उसके 2 पॉइंट भी होते हैं। कोई होते हैं अपनी वेबसाइट बनाते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट को देख के बनाते हैं, उसे इंट्रैक्ट करके बनाते हैं। कुछ होते हैं कि सर वो सेल्फ खुद बनाते हैं ज़्यादा उसे ईजी और बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए, खुद से अपनी एक अपने मुताबिक अवसर तैयार करते हैं। सर हमने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देख के अपनी वेबसाइट बनाई है, उनसे मैच करके जहाँ पर कोई बैड डिजाइन आ रहा है यहाँ पर कोई इश्यूज आ रहे थे हमने सॉर्ट आउट कर दिया, क्लियर कर दिया हुआ है। और उसके बाद सर जो जो हमारा इंटरफेस है वेबसाइट का वो भी सेम एज इट इज उसी तरह का, उसी तरह का हमने डिजाइनिंग वगैरह जो भी लैंग्वेज है ना सर वो भी हमने सिंपल बिल्कुल उसी तरह यूज की गई जैसे हमारे सिस्टम में मतलब मौजूद है सर। बस इंग्लिश ही यूज की है, इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं यूज किया गया। और सर उसके अलावा इमेजेस वगैरह लगाई हुई ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली हमने मतलब अपने सिस्टम में डिफाइन वगैरह की हुई है। और हमारा जो ओवरऑल वेबसाइट है ना वो तकरीबन आउट ऑफ 100 90% तकरीबन सर हमारी रियल वर्ल्ड से मैच करती है। बाकी सर 10 to 15% वो चीज़ें जो हमने बैड डिजाइन वगैरह जो हमने चेंज वगैरह किए थे वो चीज़ें। और यहाँ पर वैल्यूएशन में सर ये बताया गया कि जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन है ना वो गुड है, मैच मैच कर रहा है ज्यादातर रियल वर्ल्ड के साथ। उसके साथ जो मेन हमारा एरर जो सर शो कर रहे हैं वो लैंग्वेज प्रिवेशन का कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डिफिकल्ट टू यूज फॉर बिगिनर यूजर। सर अगर हम जब कंप्लीट वेबसाइट सब बनाते हैं तो सर थोड़ा बहुत तो हो जाता है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, स्लाइडली सी कॉम्प्लेक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हमारी सर वेबसाइट। उसके अलावा सर एक ही लैंग्वेज रखी हुई है इंग्लिश जो बेसिक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो ओवरऑल यूज होती है। नेक्स्ट यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम सर, इसमें ओवरऑल वेबसाइट की बात की जा रही है कि कंट्रोलिंग के वाले से बात की जा रही है, फ्रीडम की बात की जा रही है, कितनी इजी टू यूज है, कितने कस्टमर के लिए रिलायबल, कितनी इजीली वो आगे पीछे करके यूज कर सकता है, मतलब कितने अच्छे से लिंक्स इसमें लगे हुए हैं, हाइपर लिंक बैक भी बंदा जा सकता है, फ्रंट जा सकता है, इजीली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। सर इसमें हमने ये वाले पॉइंट लिखे कि हमारी एबिलिटी जो हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत फ्रीडम वाली है और यूजर फ्रेंडली है जो कस्टमर वो इजिली यूज कर पाएगा। उसके अलावा सर जो हमने फर्दर पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनमें एक ये पॉइंट आ रहा है कि इसमें सर मिस्टेक्स वगैरह कोई नहीं है, बहुत स्लाइटली अगर कोई एरर्स वगैरह हुआ तो सर होगा वरना कोई नहीं। उसके वैल्यूएशन पॉइंट ये है कि जो वेबसाइट का कंट्रोल है ना वो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे कंट्रोल्स रखे हैं, स्विचिंग बहुत अच्छी है पेजेस में, एक पेज से सेकंड सेकंड से फर्स्ट में जो हाइपर लिंक्स हमने अटैच किए हैं वो भी काफी हद तक गुड है। और सर ये कह रहे हैं कि जो देयर इज नो पावरफुल कस्टमर हेल्प सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर पावरफुल नहीं कस्टमर जो हेल्प सिस्टम है ना सर वो हमारा पावरफुल है और काफी हद तक गुड भी है। इस पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि हमारा जो हेल्प सिस्टम है वो इतना पावरफुल है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सर मैं तब आपको बताऊंगा वहां पर इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि हमारा सिस्टम पावरफुल है सर, क्योंकि हमने ईमेल आईडी भी बताई हुई है अपने उसके अंदर होम पेज के अंदर भी बताई, ओवरऑल हमारे हेडर के अंदर इम्प्लीमेंट है और हेल्पलाइन भी बताई हुई है हमने। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट भाई सर अगली हमारी स्लाइड है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। इसमें हमने सर बेसिकली जो वेबसाइट का हमारे का प्लेटफॉर्म होता है ना वो उसके हमने देखना होता है कितना
कितना कि सर सही है, उसमें हम फॉलो करेंगे अपने वेबसाइट के प्लेटफॉर्म को सर देखेंगे, उसमें सर सबमिट बटन देखेंगे, अदर चीज़ें उसमें बटन वगैरह देखेंगे कि हमारे जो बटन यूज़ किए हैं हमने या नेविगेशन बार बनाए हैं, ओवरऑल जो चीज़ बनाई वो 100% वर्किंग कर रही है, जिस यूज़ के लिए जिस मकसद के लिए हमने चीज़ें बनाई हुई हैं वो जिस मकसद के लिए जिस यूज़ के लिए हमने अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं तो वो क्या वर्किंग है, वर्केबल है कि नहीं सर, इसकी वैल्यूशन उन्होंने इस तरह की है जो हमारी वेबसाइट के ओवरऑल कंसिस्टेंसी है वो आउटस्टैंडिंग है, और उसके जो फॉलो स्टैंडर्ड्स हैं वो सर वो डिज़ाइन प्रोसेस है, मतलब कि एक गुड पॉइंट है जो कि सर एक नेक्स्ट कन्वे नेक्स्ट करें जो सर हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो है एरर प्रिवेंशन, जिसमें सर लिंक्स वगैरह की बात की जा रही है और कैटेगरी के वो वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ की बात की जा रही है, इसमें कितने का ये बहुत ज़्यादा सर एरर प्रिवेंशन है, हमारी वेबसाइट लिंक्स सारे काम कर रहे हैं काफ़ी हद तक सर गुड है, हमारी वेबसाइट एरर्स के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा माइनर सब एरर को निकल भी आया होगा सर, बट द बेस्ट डिज़ाइन सर जो हमारी वेबसाइट का ये है ना वो प्रॉब्लम्स वगैरह तो मतलब काफ़ी हद तक सर फेस कर रहा है कि इनमें कोई चीज मतलब इस तरह के इशूज़ वगैरह नहीं है, और सर इसका जो वैल्यूएशन की गई है वो कि देर इज नो पावरफुल प्रोसेस टू हैंडल मेन ब्लैंकिंग्स एंड अदर इमरजेंसी एरर्स, सर इमरजेंसी एरर्स जो किसी चीज़ में सर हमारी इतनी डिटेलिंग नहीं थी जब हमने वेबसाइट्स बनाई थी ना सर, तो हमारा बेसिकली यार जो फोकस था वो मेन चीज़ों पे था, जो मेन फंक्शनैलिटी जो मेन काम हमारी वेबसाइट का उसके ऊपर था, इस वजह सर इस पर थोड़ी सर डिटेलिंग थोड़ा सर हमारा काम रह चुका है जो नेक्स्ट निशन रेदर देन रिकॉल, सर इसमें बात की जा रही है जो जो इंफॉर्मेशन है सर ओवरऑल हमारे इंटरफेस पे इंटरफेस की और अदर जो रिक्वायरमेंट है हमारे डिज़ाइन के वो काफ़ी हद तक हमने सिमिलर रखी और काफ़ी हद तक रिलायबल है और वो कम्प्लीटली फुल हो रही है, मतलब कि सर जो रिकॉग्निशन सर जो ओवरऑल जैसे हमारा सिस्टम हमें ओवरऑल जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसी की तरह का हमने ओवरऑल सब कुछ उसी तरह का रखा है सिवाय उसके बैड डिज़ाइन और कुछ चीज़ें सर हमने अपने हिसाब से की इंटरफेस को फ्रेंडली बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को ओवरऑल बेहतर बनाने के लिए, और इसकी वैल्यूएशन हम इस तरह करेंगे जो हमारी वैल्यूएशन इस तरह की गई कि इनकी वेबसाइट जो हमारी है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक गुड हैं और वेबसाइट का एक्सपीरियंस भी काफ़ी गुड है और जो रिकॉग्निशन पॉइंट है ना ऑफ व्यूज के वो भी काफ़ी हद तक ठीक है जी। नेक्स्ट करें सर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूजेस की बात की जा रही है, मेन फीचर्स हैं यूजेस हैं क्या वो कितने के एफिशिएंट है कितने के अच्छे बनाए गए बेहतर बनाए गए हैं, इनमें जो एरर्स थे इश्यूज ग्लिचेस को काफ़ी हद तक कम किया गया कि नहीं किया गया, सो वाले सारे ये पॉइंट है और इसमें हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात की है, इन चीज़ों में फोकस किया, हमारी वेबसाइट काफ़ी हद तक एफिशिएंट है क्योंकि हमने ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ देख के बनाई और जहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में इशूज़ वगैरह आ रहे हैं ना सर उन चीज़ों को हमने बिल्कुल कवर किया ख़त्म किया हुआ है, और उसकी सर वैल्यूएशन इस तरह की गई है जी इन द वेबसाइट ऑल लिंक्स इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, तो हमारी जितने भी लिंक्स और जितनी इंफॉर्मेशन हमने वेबसाइट में दी है ना सर हमने ओवर कोई चीज़ नहीं दी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन मेन इंफॉर्मेशन बस वही इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, वो ये ना लगे कि बिल्कुल इंग्लिश लिखी हुई है पिक्चर्स ही लगी हुई हैं, स्पेसिफिक फीचर्स को बेसिकली हमने ना ऊपर लेके आए हैं, जो ऐसी चीज़ें जिनको ना बनाए जो बनाना जरूरी नहीं उनको सर हमने कोशिश की खत्म कर दें, यस सर, और यही चीज़ उन्होंने वेरिएशन में बताया गया कि आपकी मतलब ये चीज़ें गुड हैं अच्छे तरीके से डिजाइन और डेवलप की गई आपकी वेबसाइट जी। नेक्स्ट पॉइंट सर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ऑथेंटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन के वाले से हैं, तो हमारा डिज़ाइन कितना ऑथेंटिक है मिनिमलिस्टिक है उसी बारे से बात की गई है, और हमने कोई ऐसी इरेलीवेंट और कोई रियली नीडेड चीज़ नहीं यूज़ की गई, बेसिक सी चीज़ यूज़ की गई है हमारी वेबसाइट उसी तरह का सेम डिजाइन चीजें रखी ताकि ऐसा ना लगे कि हमने जो जिस ऑफिशियल वेबसाइट के हवाले से जिसको देख के हम काम कर रहे थे कि उसे डिफरेंट कोई चीज ना लगे, बिल्कुल उसी तरह का हमने काम किया है, काफी हद तक डिजाइन और बाकी ओवरऑल चीजें हमने सिमिलर और सेम रखी हुई है, इनमें उन्होंने वैल्यूएशन ये की कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है ना जो प्रोवाइड की गई है वो काफी हद तक गुड है, और सम सर ये देखे उन्होंने प्रीवियस पॉइंट्स में मैंने उन्होंने ये बात की थी कि जो हमारी ब्लैंक्स हैं वो जो ब्लैंक लिंक्स हैं जो उनसे सम ब्लैंक लिंक्स वो गुड नहीं है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं गुड है, और इसी तरह का सर एक पॉइंट नेक्स्ट भी आएगा उसमें उन्होंने प्रीवियस पॉइंट में उन्होंने कहा था कि जो हमने हेल्प सपोर्ट सिस्टम है ना वो गुड नहीं प्रीवियस में कहा था और गुड में कहेंगे वो गुड है, तो सर वैल्यूएशन के हवाले से भी एक दो पॉइंट में उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया काम से जी। नेक्स्ट करते हैं सर
सर हेल्प 9th पॉइंट ये है कि हेल्प यूजर रिकॉग्निशन डायग्नोसिस एंड रिकवर द एरर्स। इसमें सर बेसिकली ये करना है, हमने मेन पॉइंट्स को देखना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, जो डायग्नोसिस जो इशू जो एरर है उनको कम से कम खाना खत्म करने की कोशिश करनी। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट में सर हमारे जो बैड डिजाइन निकल रहे थे बन रहे थे सर, इतना कोई लॉजिकल नहीं था, कोई बेसिक साइड थे, एक ही साइड थी लॉजिकल। उन चीज़ों को सर हमने बेहतर किया, ठीक करने की कोशिश की, काफी हद तक कवर किया है। और कुछ तो सर हमने बैड डिजाइन जो प्रीवियस फर्स्ट असाइनमेंट में निकाले थे ना, उनके बाद आई थिंक उनकी वेबसाइट अपडेट हो गई थी, उनमें से दो से तो तीन बैड डिजाइन ऐसे थे जो रिकवर हो गए, बाद में उन्होंने खत्म कर दिए हुए थे, उनको अपडेट करके ना अपनी वेबसाइट को, वो चीजें खत्म हो गई थी। फिर हमारा एक ही दो बचे थे, वो भी एक दो पिक्चर का बैड डिजाइन था, उन्हें भी हमने ठीक कर दिया हुआ था सर। जिसमें एवेल्यूशन उन्होंने किए ना, उन्होंने कहा देयर इज अ पावरफुल यूजर हेल्प सिस्टम। सर ये देख लें, प्रीवियस में उन्होंने कहा था, सेकंड थर्ड में आई थिंक कहा था कि जो यूजर हमारा हेल्प सिस्टम है ना वो बेटर नहीं है, ठीक नहीं है, यहाँ पर कह रहे गुड है, पावरफुल है वो। और सर आगे वो बात कर रहे हैं हमारे यूजर्स की, और वो कह रहे हैं वेरी लो चांस टू एरर, और यहाँ पर कह रहे हैं बहुत कम चांसेस हमारे सिस्टम में एरर आने के, यहाँ एरर हैं, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम भी काफी हद तक बेहतर, हमने हेल्पलाइन सिस्टम भी सर दिया है, लाइव चैट का भी सिस्टम है, लाइव चैट ओवरऑल सर, क्योंकि जिन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम होगा, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट खुलाया होगा सर, वो तो उनके पास कहीं वैसा भी होता है, अपने बार टाइम नहीं लगता है ब्रांच वगैरह में जाने का, बैंक में जाने का, तो वो ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी, लाइव चैट, तीन तीन इतने बड़े बड़े रिसोर्स हैं जिसपे जाकर आप इजिली बात कर सकते हैं। तो सर ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि काफी वेबसाइट में ऐसा होता है जस्ट हेल्पलाइन नंबर दी होती है, वेबसाइट दी होती है, तीन तीन ऑप्शन वैलिड नहीं होते ना, अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से सर जो हमारा हेल्प सपोर्ट सिस्टम है जिनका इन्होंने एरर निकाला हुआ है सर, वो वैलिड बनता है मेरे मुताबिक। नेक्स्ट कर दें जी सर, यहाँ पर हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात की जा रही है, ओवरऑल जो वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन फर्दर अलग चीजें, खाली सर डिजाइन को देखा जाए ना तो लॉजिकल चीजों को ना देखें तो फिर भी बैड डिजाइन हो जाएगा ओवरऑल चीजें, अगर लॉजिकल चीजों को देखें तो डिजाइन को ना देखें तभी बैड डिजाइन को, ओवरऑल चीजों को सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। यहाँ पर हेल्प की बात की जा रही है डॉक्यूमेंटेशन की, ओवरऑल की कैसी है, कैसी लग रही, कैसी बनाई गई, उसके ऊपर बात की जा रही है, जिसमें सर एडिशनल एक्सप्लेनेशन पे आ जाती बात, नेसेसरी प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन, यूजर अंडरस्टैंड के ऊपर बात आ जाती सर। और इसी तरह सर उन्होंने वैल्यूएशन किया कि जो हमारी वेबसाइट ना, देयर इज अ गुड सिस्टम फॉर हेल्प यूजर एंड प्रोवाइडिंग इट्स डॉक्यूमेंट। सर बस हमारे सिस्टम में ये वाला वैल्यू डाया गया, पर सर ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में भी नहीं, ये वाला सिस्टम नहीं है, और वैसे हमें चाहिए था कि अपने ना जो वेबसाइट नारिस में सिस्टम रखना, हमने नहीं पर नहीं रख पाया, हमें नहीं सर पता चला, वो ये सिस्टम है डॉक्यूमेंट के बारे से बात की जा रही है ना, डॉक बट नो हैव नो ऑप्शन फॉर डाउनलोड इट फॉर लेटर यू फॉर रिमार्किंग शीट, एनी टाइप ऑफ सर डॉक्यूमेंट और मार्किंग शीट वगैरह डाउनलोड का कोई ऑप्शन वगैरह नहीं रखा, बस ये कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर, ईमेल पर बात कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं जी। नेक्स्ट कर दें सर, ये हम हमारे जो फोर ग्रुप मेंबर है सर, हम सब ने अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ था, जो हमने वेबसाइट देख के बनाई है सर, इसका होम पेज है, वहाँ पर स्लाइडर लगा हुआ है, ऊपर देखा था COVID-19 का अपडेट, और ऑफरिंग और लाइव चैट का भी ऑप्शन है, लॉग ऑन भी, काफी बच्चों का सर ये भी वेबसाइट के इशू आ रही, जिनकी हमने भी वैल्यूएशन की थी, उनका लॉगिंग का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था, साइन इन उन्होंने गेम भी इस चीज़ को रखा ही नहीं था, फीचर को ऑप्शन को रखा ही नहीं था। और सर इसमें दो किस्म के हमारे पास आ रहे, कन्वेंशनल आ रहा है, इस्लामिक आ रहा है, बैंकिंग, दोनों के अलग अलग टाइप्स हैं, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, जो मेनली ज्यादा चल रहा है सर कन्वेंशनल चल रहा है, जो बैंक अल्फा प्रीमियर है, और इस्लामिक में भी ऑप्शंस है पर काफी हद तक कम है, बाकी सर इसमें ऑप्शन दिए यहाँ पर सब में हमने हाइपरलिंक यूज किया हुआ, इस्लामिक में कन्वेंशनल में जो फुटर में सर लगा हुआ है, पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बिजनेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जी। नेक्स्ट कर दें सर, ये वाला हमारा पेज जो बैंक इस्लामी का, इसमें ये वाला बैंक ऑफ इस्लामिक है, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है, ऊपर जो सर्च बार है, लॉग ऑन का बटन भी दिया हुआ है सर, इसमें फेसबुक का लॉगो, लिंक्डइन का लॉगो दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट्स का भी ऑप्शन रखा हुआ है, लोकेशन फाइंडर का ऑप्शन रखा हुआ है, और उसके साथ हेडर में ही आपको नजर आ जाएगा जो हेल्पलाइन नंबर है ना वो भी नजर आ जाएगा, और नीचे इस पे फुटर भी लगा हुआ है, और ये हमारे पास सर जो बैंक ऑफ इस्लामिक आ रहा है जी, इसको बार नेक्स्ट कर देंगे, हमने सारे ऑप्शन वगैरह उसके ऊपर बनाए हुए। तो सर ये हमारे पास पर्सनल बैंकिंग आ रहा है, जो मेन हिस्सा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेबसाइट का, जो सर होम के बाद जो चीज़ें आ रही है ना सर, उसके अंदर स्टार्ट हो रहा है जो हमारी होम पर्सनल बैंकिंग है ना सर, वही है, इसमें फर्दर ऑप्शन थे और इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही, इस्लामिक बैंकिंग में कुछ चेंजिंग से वो हमने कर दी हुई है, उसके अलावा पर्सनल बैंकिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, इस वजह से सर इनके आगे हमने ना इनके ऑप्शन बनाए हुए, जैसे डिपॉजिट अकाउंट के तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये ऑप्शन आपके शो हो रहे हैं,
और इसी तरह सर इनके अंदर हमने नो चेंज लगाए हुए, जहां पर कोई चेंज नहीं वहां पर नो चेंज लगाई हुई। और इसके साथ टोटल 3 हिस्से हैं, जैसे पर्सनल बैंकिंग एक, बिजनेस बैंकिंग दूसरा, कॉर्पोरेट बैंकिंग 3। ये भी सर ओवरऑल ये पर्सनल बैंकिंग है जी। नेक्स्ट कर दें जी, नेक्स्ट कर दें। ये 3-4 पेज सर काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि सर इनके सबके एक एक ऑप्शन बनाने में काफी हद तक सिमिलर लग रहे हैं। इनमें हाइपरलिंक लगा हुआ है, क्योंकि टू दो किस्म का हाइपरलिंक लगे हुए। जैसे हमने फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे जाना है ना, इसके लिए फॉरवर्ड वाइज लगा हुआ है हाइपरलिंक। और अगर हमने सेकंड पेज से किसी जगह से हमने बैकवर्ड जाना हो, तो सर वो भी बैकवर्ड वाली साइड पे भी हमने हाइपरलिंक लगा हुआ है। कुछ नो चेंजेस के बटन के ऊपर नो चेंज, जहाँ पर लिखा टेक्स्ट के ऊपर भी हाइपरलिंक यूज किए हुए हैं हमने लास्ट में। और बैंक लगा के लोगों पर भी हमने हाइपरलिंक यूज किए हुए हैं अपने मतलब जरूरत के मुताबिक, इजिली इसको ईजी बनाने के लिए। सर देखें जो बेसिक मेन इन्फॉर्मेशन, मेन पिक्चर हो गई, कुछ मेन बटन, बस जस्ट वही बनाएंगे जी। नेक्स्ट कर दीजिए आगे। बिजनेस बैंकिंग खोलें आप जी। नेक्स्ट नेक्स्ट करिए ना। जी नेक्स्ट करिए बिजनेस बैंकिंग तक, बिजनेस बैंकिंग खोल लें। जी नेक्स्ट करते हैं बिजनेस बैंकिंग तो। सर ये आगे बिजनेस बैंकिंग आगे स्टार्ट हो गई है सर। अगर हम प्रेजेंटेशन मोड में जाके एक एक लिंक को क्लिक करते हैं, तो मैंने कहा ज्यादा लंबी वीडियो हो जाने चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा स्लाइड्स है जो हमने डिवाइड करके तैयार की ना पावर पॉइंट पे। सर जो 3.2 वाला टास्क था जो हमारा, वो 28 राउंड अबाउट स्लाइड बनी हुई थी। उसके अलावा जो फर्दर काम असाइनमेंट 4 का रहता था, वैल्यूएशन का रहता था, वो सर काफी हद तक स्लाइड ज्यादा हो चुकी थी। सर ये ओवरऑल बिजनेस बैंकिंग इसमें भी सर सेम चीजें हैं। जब सर इसमें भी सेम चीजें, जैसे देख लें एसएमई लोन के आगे फर्दर उन्होंने टाइप्स वगैरह मेन फंक्शनैलिटीज बताई हुई है। और यार ये देखें ये अल्फा फ्लीट फाइनेंस फर्दर पिक्चर्स लगी हुई हैं उनके नीचे, उनके बटन बने हुए हैं, इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं। रीड मोर के बटन को जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ सर ये जो से ऑप्शन बनाए हुए हैं एसएमई लोन के, इनके अंदर जाएंगे तो नो चेंजेस का ही ऑप्शन शो करेगा। इसके अलावा साइड में इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह भी हमें शो कर रहे हैं, बाकी सेम लेआउट ओवरऑल बाकी सर सेम लेगी जी। आगे नेक्स्ट करते हैं जी कॉर्पोरेट बैंकिंग। सो कॉर्पोरेट बैंकिंग भी सेम है इसी तरह की ज्यादातर। अब आगे हो गया जी, नेक्स्ट कर दें। हाइपरलिंक तो रीड मोड पे करके दिखा दें सर एक बार, नो चेंजेस पे जाकर रीड मोड पे क्लिक कर दें। जी प्रेजेंटेशन मोड ऑफ कर देना आप जी। ऐसे क्लियरली उनके ऊपर हाइपरलिंक भी लगे हुए हैं, लोगो भी लगा हुआ है फॉरवर्ड वाइज जाने के लिए, बैकवर्ड जाने के लिए, सेम एज इट इज जी। नेक्स्ट कर लें जी आप स्लाइड्स के आगे, जो फर्दर आगे वाली रह गई ना स्लाइड, जो आज वैल्यूएशन वाली जो बाकी चीज रह गई वो कर लें आगे कर लें जी। बिल्कुल आगे कर लें, नो चेंजेस सारी जल्दी जल्दी करें, ऐसे बहुत स्लो गुजर रहे हैं आगे। सर ये नो चेंज वाली स्लाइड्स के बाद बनाई थी हमने, जो प्रीवियस गुजर गई यदि वो नो चेंज वाली, जहाँ जहाँ चेंजिंग नहीं हो रही वहाँ पर वो स्लाइड सर हमने इंप्लीमेंट की हुई है सर। उसके अलावा जो आपको पहले स्लाइड दिखाने से पहले जो वैल्यूएशन दिखाई हुई थी ना, जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए थे ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन के 10 पॉइंट्स, उनके ऊपर हमने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, कुछ वैल्यूएशन करके अदर ग्रुप में लिखे हुए थे सर। उनमें से कौन से पॉइंट हमने एक्सेप्टेड रखे हैं, कौन से नहीं रखे सर, अब वो आ गए। कौन कौन से पॉइंट एक्सेप्टेड है सर, जो फर्स्ट पॉइंट था विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस का सर पॉइंट, वो एक्सेप्टेड है। क्यों सर एक्सेप्टेड है, क्योंकि सर वो उन्होंने जो जो बात की सर वो करेक्ट है, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे हमारे मतलब बिल्कुल उन्होंने सर फर्स्ट पॉइंट में जो जो बातें की थी वो बिल्कुल ऐसी थी जो हमारे ओरिजिनल वेबसाइट में मौजूद है ना, जो हमने बनाई है वो एज इट इज बात थी। उसके बाद जो सर सेकंड पॉइंट बनता है ना मैच बिटवीन अ सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, उसमें भी सर उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की थी वैसी जो हमारी वेबसाइट में मौजूद थी। उसी तरह फिर सर फोर्थ वाला आ जाता है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड वाला, ये वाला पॉइंट भी सर एक्सेप्टेड है और ये भी एज इट इज हमारे ना वेबसाइट में मौजूद ही चीज। नेक्स्ट कर दें और सर ये नहीं भाई, इससे इससे पहले दूसरी स्लाइड्स भी आएंगी एक्सेप्टेड वाली।
नॉट एक्सेप्टेड से पहले बाकी एक्सेप्टेड वाली दिखाई चाहिए वाली, जिसमें सर एरर प्रिवेंशन में भी उन्होंने ठीक बात की थी वैल्यूएशन के हवाले से सर, क्योंकि सर उन्होंने ये कि हमारे में एरर्स नहीं है, बहुत ही कम एरर्स हैं और हमारी काफ़ी ज्यादा गुड वेबसाइट बनी हुई है, वो सब प्रीवियस गुजर चुके हैं वीडियो में, वैसे भी सर जब हम आपको सेंड करेंगे तो आप देख लीजिएगा फिर। और सर इसमें भी वही चीज़ें एक्सेप्टेड है पॉइंट, क्योंकि जो हमने ये सब चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से देख के अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट की हुई हैं इन सब चीज़ों का सर, यही जो मेन मेन फीचर्स पॉइंट्स हैं जिनको हमने मतलब मद्देनजर रखा हुआ था अपनी वेबसाइट के अंदर। इसी तरह रिकॉग्निशन वाला भी आ जाएगा पॉइंट, रिकॉग्निशन रेदर देयर कॉल, ये भी एक्सेप्टेड पॉइंट है सर। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी वाला, हमारी एफिशिएंसी वेबसाइट डिजाइन के लिहाज से इन्फॉर्मेशन मेन में लिखी हुई थी सारी, उस लिहाज से पॉइंट एक्सेप्टेड है जी। नेक्स्ट सर, इसी तरह स्टैटिक वाला यानी मिनिमलिस्टिक डिजाइन वाला डिजाइनिंग के लिहाज से हमारी वेबसाइट वैसे बेहतरीन थी। और सर जो जो इसमें उन्होंने यहाँ पर यू 8 वाला 0.9 वाला हेल्प यूजर के हवाले से जो हमने हेल्प सिस्टम बनाया हुआ था सर, उन्होंने वो लिखा हुआ था कि वो बैड है, पर वो सर वो थर्ड वाला पॉइंट है वो इसके आगे आएगा नेक्स्ट में, ये वाला पॉइंट भी सर एज इट इज एक्सेप्टेड हमें। और 10th वाला जो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन वो भी एक्सेप्टेड है जी। अब नेक्स्ट करें, नॉट एक्सेप्टेड वाली स्लाइड खोले, नॉट एक्सेप्टेड स्लाइड जी सर। सर ये थर्ड वाला पॉइंट है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम सर, ये वाला नॉट एक्सेप्टेड हमें क्यों, क्योंकि सर इस यहाँ पर उन्होंने ये वाली ये लिखी हुई थी कि बात लिखी हुई थी जो उनसे लिखी तो उन्होंने हेल्प सिस्टम जो सा हमारा गुड नहीं है, हेल्प सर्विस सिस्टम नहीं जो सा जैसे हेल्पलाइन पे कॉल वगैरह जो सिस्टम है या ईमेल का सिस्टम रखा हुआ है लाइव चैट का, वो कह रहे थे हमारा इतना गुड नहीं, इतना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं। पर यही बात उन्होंने अपने नेक्स्ट किसी पॉइंट में की थी कि गुड है। और इसी तरह सर जो ब्लैंक लिंक्स वाली बात उन्होंने की थी वो भी इसी तरह की थी सर। काइंडली आप इन दोनों पॉइंट्स को ना देखिएगा ध्यान से। तो सर ये वाला एक्सेप्टेड इस वजह से नहीं हमें, क्योंकि उन्होंने दो एक पहले उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्टेड नहीं है हेल्प सिस्टम वाला पॉइंट, बाद में कह रहे हैं एक्सेप्टेड है। और वैसे भी सर हमने तीन तीन ऑप्शन रखे हैं, वो लाइव चैट का भी ऑप्शन है, हेल्पलाइन नंबर भी है, ईमेल आईडी एड्रेस वाला भी है हमारे पास ऑप्शन, और इस हिसाब से हमें लग रहा है कि हमारी वेबसाइट काफी हद तक गुड है इन चीज़ों में। ये सारे क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट जो से हमें लग रहा है कि हमारी वेबसाइट में अच्छे नहीं है, बेटर नहीं है, वो गुड नहीं, वो कौन से हैं, क्योंकि सर हमने अपनी वेबसाइट में प्रॉपर कोई फीडबैक का सिस्टम नहीं रखा ना रेटिंग वाला सिस्टम रखा हुआ है, क्योंकि सर हमारे पास तीन तरह के कंजर्वेशन वाले सोर्सेज हैं, तो हमें नहीं लगता कि उनके फीडबैक भी सर एज उसी सेंस में आ जाएगा, क्योंकि हमारे में सर लाइव चैट का ऑप्शन मौजूद है। और सर फीडबैक में भी फीडबैक में एक अलग ऑप्शन होना चाहिए था, हमें रखना चाहिए था जिसमें ओवरऑल वेबसाइट के बारे से पूछे, वो कस्टमर से, लोगों से, डेवलपर से बात करें ओवरऑल, फिर उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट को अपडेट करें, वो हमने सारा सिस्टम नहीं रखा इसके अंदर। उसके अलावा सर हमारी वेबसाइट जो स्लाइटली सी ना कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि सर इतना कोई बेसिक बेसिक मेन में इतने ज्यादा फीचर थे, उन सब को निकाल निकाल के एक जगह में इकट्ठा करना, उससे सर आपको भी पता थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है वेबसाइट, इतनी भी ज्यादा नहीं थी, स्लाइटली थी। ऊपर सर जब हाइपरलिंक हमने डबल लगाए, एक फॉरवर्ड वाइज एक बैक वाइज भी लगाए, जैसे फर्स्ट पेज से मैंने सेकंड पेज पे आने के लिए हाइपरलिंक यूज किया, फिर अगर मैं सेकंड से फर्स्ट में जाना चाहता हूँ उसको बंद करके तो नहीं ना सर जाना, फॉर एग्जाम्पल पावर और प्रेजेंटेशन मोड में मैं हूँ और मैंने फर्स्ट स्लाइड से सेकंड में चला गया हूँ, और मैंने सेकंड से मैंने फर्स्ट में आना है, तो वहाँ पर उसके लिए भी हमने एक हाइपरलिंक अलग लगाई हुई थी, हर पेज में सर लिंक किया हुआ था, हम हर किसी पेज में से ना हम होम पेज में जा सकते थे। इस वजह से सर ये स्लाइड है ना थोड़ा हल्का सा सर कॉम्प्लेक्स हो गया था, इतना इजी टू यूज नहीं था। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा निकला, जो हमारी वेबसाइट में सर हमने डॉक्यूमेंट को किसी भी सिस्टम को ना किसी डॉक्यूमेंट वगैरह को डाउनलोडिंग वगैरह का सिस्टम नहीं रखा, अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो रहा है, आपको कोई लाइव चैट पे जाके किसी किस्म के आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपने निकालना है, वो हमने वेबसाइट के ऊपर किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं रखा हुआ। और सर वो फोर्थ पॉइंट यही जो सर ने हमारा निकाला था अदर ग्रुप मेंबर्स ने, वो ये था कि हमारा जो सर पावर प्रोसेस नहीं इतना हैंडल करने के लिए, और यहाँ पर सर फिर वही ब्लैंक लिंक्स की बात की जा रही है जो इमरजेंसी एरर्स वेबसाइट्स के वाले की जा रही है। थैंक यू सर, हमारा ओवरऑल यही काम था, जिनमें से एक से दो एरर ऐसे उन्होंने निकाले हमारे वैल्यूएशन के अंदर जो हमें नहीं मंजूर है, और उनमें से एक पर मैं नॉट एक्सेप्ट लिखा हुआ, मैंने दोनों आपके सामने हाईलाइट कर दिए हुए, बाकी ओवरऑल सर हमारा काम इतना है। और इंशाल्लाह ओके सर, थैंक यू।